लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कुंडली में ग्रह दोषों को दूर करने के लिए आपको महंगे रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर महंगे रत्न नहीं खरीद सकते इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सनातन परंपरा के तहत पूजे जाने वाले तमाम पवित्र पौधों की जड़ें अत्यंत ही शुभ फलदायी होती है, जिन्हें धारण करने से रत्न के समान फल मिलता है। आज हम आपको बताते हैं कि पेड़ों की जड़ों को धारण करने से ग्रहों का दोष खत्म होता है। एक, चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए सफेद कपड़े में खिरनी की जड़ को सोमवार के दिन धारण करें। दो, सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए बेलपत्र की जड़ लाल या गुलाबी कपड़े में बाजू में रविवार के दिन धारण करें। तीन, मंगलवार ग्रह की कृपा के लिए अनंत अमूल्य खेर की जड़ को लाल कपड़े में मंगलवार के दिन धारण करें। चार, बुधवार की कृपा पाने के लिए हरे कपड़े में विधारा की जड़ को सफेद कपड़े में बुधवार के दिन धारण करें। पांच, बृहस्पति की कृपा पाने के लिए केले की जड़ को गुरुवार को पीले कपड़े में बाजू में धारण करें। छह, शुक्रवार के लिए गुलर की जड़ को सफेद कपड़े में शुक्रवार के दिन धारण करें। सात, शनि की कृपा के लिए शमि की जड़ को शनिवार के दिन नील कपड़े में धारण करें। आठ, राहु के दोष को खत्म करने के लिए सफेद चंदन के टुकड़ों को नीले कपड़े में बुधवार के दिन धारण करें। नौ, केतु के दोषों को दूर करने के लिए अश्वगंधा की जड़ नील रंग के कपड़े में गुरुवार को धारण करें।